बोल्यार यो रूप हुसन ओर काया माया यो तो तन रोबी जवानी का तपस्या हदान भजन पेने मोल नहीं जंद कहानी का रूप हुसन होए काया माया तो दिन रोहब जवानी का त्याग तपस्या हदान भजन पेने मोल नहीं जंद कहानी का रूप हुसन होए काया माया माया यो दो दिन रोप जवानी का त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। इस जीवन के चार मूल्य बताए कवि ने, त्याग तपस्या दान और भजन। अगर इन पर मानस खरा उतर जा तो इस दुनिया में उसका नाम हो जा। नंबर एक पर त्याग के बारे में कवि ने क्या लिखा है? ममता का मोल बने हल्लाट प्यारे परिवार तज जब शिक्षा का माहौल बने फिर आलस निंद्रा शिष्य तज दे गुरु के मीठे बोल सुने जो दीपक बने गुरु करे रोशनी उनका नहीं मखोल बने दीपक बने गुरु करे रोशनी उनका नहीं मखोल बने ज्ञान गंगन है भीतर तरले ज्ञान गंगन है भीतर तरले तके फाटा विद्वानी का तेरा त्याग तपस्या दान भजन ने बोल नहीं जिंदगानी का रूप हुसन होरे काया माया पहला मूल्य बताया त्याग के दिन रैन चैन सुख मां त्यागे जब ममता का मोल बने। एक मां अपने बच्चों के लिए अपने दिन रात का चैन त्यागती है तब जाकर ममता उत्पन्न होती है। और बताया कवि ने कि ज्ञान का ये नहीं पता ज्ञान कहां पे हो जा लेकिन किसे मानस में ज्ञान हो जा वो बांटना बहुत जरूरी है कि जब ज्ञान ग्रंथ ने भीतर धर ले तो के फायदा विद्वानी का त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। जीवन का दूसरा मूल्य तप होता है तप के बारे में कवि ने के लिख दिया भला
पवन चढ़ाया जा, मटका टपके बर्तन बन जा, ठंडा नीर पिलाया जा, सोना बीजे है नहीं तो पेटे गड़ में नहीं सजाया जा, चाहे ऋषि महात्मा पद मिल जाते मानव शरीर तपाया जा, ऋषि महात्मा पद मिल जाते मानव शरीर तपाया जा, तसवा द्वारा खुल के मिट जा, तसवा द्वारा खुल के मिट जा, हबे और ब्रह्म नाता नीका और त्याग तपस्या और दान वजन बने और मोल नहीं जंदरानी का, रूप हुसन और काया माया और दो दिन रोह जवानी का, और त्याग तपस्या और दान वजन बने मोल नहीं जंदरानी का, रूप हुसन और काया माया। मूल्य जीवन का आपने सुना त्याग, जीवन का दूसरा मूल्य सुना तप, के बजाओ भाइयों, ये ट्रेली है भाई, इनका नुआथ ना मारो दलक ज्यादा आवे इनकी। दूसरा मूल्य कवि ने बताया तप, और सजनों जीवन का तीसरा मूल्य होता है दान। दान के बारे में दादा लक्ष्मीचंद ने भी लिखा है कि जिसने रटिया नहीं भगवान उसने मत समझो इंसान, जिसने दान ना करया वो नरजिया ना मरिया। जो अपने जीवन माँ का दान नहीं करता उस परमात्मा के खाते में उसकी कोई गिनती नहीं है, और कवि की नजर में उस इंसान का कैसा स्थान है और अपने जीवन में कितना दान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, दान करने से क्या होगा और दान ना करने से क्या होगा, तीसरी कली ध्यान से सुनना क्या लिखा है।
मुल्ले कवि ने बताया भजन के ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई। भजन करने से ही मुक्ति मिल सकती है। और भजन कैसे करना चाहिए, कौन सी इंसान ने माला फेरनी चाहिए और कैसे उस माला में मणि होने चाहिए, क्या लिखा क्या दर्शा वाला भाई। सांस की माला, अरे सांस की माला ओम का मणिया, सांस की माला ओम का मणिया, जो जच के ठीक फेरावेगा छुट जा आवा कमन रे उसका, जो ध्यान हरी मलावेगा भजन सुनन ते पटे कीर्ति सतगुरु ज्ञान सिखावेगा। श्री संत बीर सिंह ने हर राम समझ के सुख बीर सिंह गुण गावेगा, संत बीर सिंह ने हर राम समझ के सुख बीर सिंह गुण गावेगा। पल में पिंजरा खाली हो जा, पल में पिंजरा और खाली हो जा, न पावे खोज सलानी का, मेरा त्याग तपस्या और दान वचन बने मोल नहीं जिंदगानी का, रूप हुस्न और काया माया और दोत में रोग जवानी का, मेरा त्याग तपस्या और दान वचन बने मोल नहीं जिंदगानी का, रूप हुस्न और काया। सोनोटेक कैसेट।